आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मैं राष्ट्रवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष ख्वाजा शरफुद्दीन साहब के कार्यालय पर मौजूद हूं। आपने अभी देखा है विशालगढ़ की घटना को लेकर औरंगाबाद ज़िले से, ऐतिहासिक शहर से ख्वाजा शरफुद्दीन साहब और उनकी टीम सबसे पहले पहुँची थी। ये मराठवाड़े का इनका पहला दौरा था। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक राजनीति चल रही, बहुत से आंदोलन चल रहे हैं, निवेदन चल रहे हैं, वो अपनी जगह सही है, लेकिन प्रैक्टिकली तौर से अगर कोई पहुंचा है औरंगाबाद से तो ये ख्वाजा शरफुद्दीन साहब है। चलिए, वहाँ के दौरा कैसा रहा, वहाँ के आवाम के हालात क्या थे, चश्मदीद जो आंखों से देखा वो हम जानना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, इतने दर्द भरा वहाँ का माहौल रहा, इतना कशीदगी भरा माहौल रहा, ऐसे हालात में वहाँ पहुँचे तो उस जाने का सफ़र कैसा रहा? मैं जब ये टीवी के अंदर देखा तो मेरे एक दोस्त थे वहाँ पे, इकबाल देसाई बोल के, मैंने उनको ऐसे फ़ोन करा कि भाई देसाई साहब, कैसे हालात हैं, कहाँ हैं तुम, ये कहाँ हुआ? उन्होंने बोले, यार कोल्हापुर से 40 किलोमीटर दूर पे ये ऐसा ऐसा हुआ। मैं बोला कि यार वहाँ पे वो सब ऐसा टूट फूट बता रहे, वो देखो क्या है वहाँ के लोग का क्या हालात है। वो वहाँ के रहने की वजह से उनको पूरा मालूम थी और बहुत अच्छा आदमी था हमारे यहाँ पे, इज्तम में भी हमारे साथ बहुत से काम हमने मिल के करे थे, इसलिए मेरी उनकी बहुत उससे मालूम था मेरे को उनका स्वभाव। तो उन्होंने बोले, आओ ख्वाजा भाई, अपन वहाँ पर जाके अपन दिखेंगे और जो भी होता अपन लोगों से मदद करेंगे। तो मैं ताबड़ तो उस दिन निकल गया जी। हम जाके वहाँ रुके, सवेरे हम वहाँ से वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद ऐसा माहौल देखे कि कोई वो उनसे कोई जो वो जो विशालगढ़ है जी, वहाँ से 3 किलोमीटर आइलवर ये बस्ती है, एक गाँव है, और उनसे कोई संबंध नहीं। उनकी ज़मीन खेती के अंदर, उनके घर ही छोटे छोटे ज़मीन खेती में काम करने वाले, कुछ ट्रावल्स का कुछ ऐसे छोटे छोटे घर आए, गाड़ियाँ आई, और बहुत गरीब बस्ती है, काम करके खाने वाली बस्ती है, कोई उनका लेना देना नहीं। और 80 घर है पूरे जंगल में, खेती में काम करने वाले गरीब तबका है। जब वहाँ जाकर देखे हमने तो उन्होंने वहाँ पर जो 40 घर को इतना ख़त्म करे, बोले तो ऐसा कुछ भी नहीं रखे, उनके सीमेंट के पत्रे, उधर बारिश ज़्यादा होती, तूफान बारिश चालू है, और वहाँ पे उनका अनाज पूरा, उनके वहाँ के बकरियाँ मुर्गियाँ सब जितना भी उनके वहाँ दुकान में का सामान, गैस सिलेंडर पूरे फेंक के दे दिए। अच्छा, उनसे कोई लेना ना देना, वो लोग बोल रहे थे, वो लेडीज़ बोल रही थी कि जो ये लोग आए थे, हमने ये बहुत पहले आए, बोले वो राजा बाद में आया, वो पहले से सवेरे से आकर इनको कौन थे क्या थे उनको नहीं मालूम, आए तो बोले हमने बिठाए, उन्होंने पानी मांगे तो पानी भी पिलाए, बोले और वही लोगों ने हमारा ये घर तोड़िया, ऐसा मतलब रो रो के उन्हें बयान कर रहे थे हमने उनका क्या बिगाड़े थे। और सही भी है, उनका कोई इससे अतिक्रमण से ना वास्ता है, सिर्फ इतना वास्ता है कि मुस्लिम है। मगर जो आपके जो गृह मंत्री हैं, ये गृह मंत्री को कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो कहीं कम गिरे, अगर उन्होंने वहाँ पर पुलिस अगर भेजती थी तो वे गरीबों के बेघर होते नहीं थे। और मेरे को लगता कि ये जो लोग ने काम करे जी, ये कोल्हापुर के आसू बाजू के लोग नहीं बोले, वो कोल्हापुर के लोग बोले कि भाई हम इतना मिलजुल के रहते, ये लोग कहाँ के थे हमको भी मालूम नहीं। तो पुलिस प्रशासन ने ये लोगों को ताबड़तोड़ उनके ऊपर कहाँ के हैं क्या है वो देख लेना, उनके ऊपर ऐसा गुनाह दाखिल करना कि कम से कम जिंदा से कोई महाराष्ट्र में, इंडिया में होना नहीं। अरे वो बेकसूर है भाई, ठीक है जो तुम्हारा अतिक्रमण हुआ था, क्या हुआ था, वो ऊपर था जो भी था, इनसे क्या लेना देना था। वो रो रो के बयान कर रहे थे, और उसमें मस्जिद को भी बहुत से नुकसान पहुंचाए उन्होंने, ठीक है वो अलग घर है वो तो हो जाएगा, मगर ऐसा कहीं होना नहीं। वहाँ पे बहुत से चीज़ें उन्होंने ऐसे करे, उनके पूरे सामान लेके चले गए, सोना दाना उनके पीटिया वीटिया कुछ भी नहीं रखे। वो बोल रहे थे कि भाई हमारे खेती के अंदर सामने से आने के बाद पीछे से निकल गए, बोल के हम बच गए, नहीं तो हमको मार डालते थे। उसमें भी फिर भी एक दो लोगों को मारे। अभी मेरे को और भी फ़ोन आया था, वो कहीं डाडमिट है, उसका भी बिल 80-90 हज़ार रुपये बिल हुआ। अब वो उन्होंने कोई कमेटी सब मिल के कर रहे हैं, हमको फ़ोन आया था, हमारे से जो मदद होती करेंगे, मगर जो हुआ ये बहुत गलत हुआ। मेरे को लगता है कि गृह मंत्री साहब कहीं ना कहीं कम गिरे, और इन्होंने ताबड़तोड़ चौकसी करके जो गरीब है, हमने जाके देखे वहाँ जाकर उनको, आज क्या आज ताबड़तोड़ उनके पत्रे रहने के वास्ते पूरे पत्रे फोड़े आ लिए, पूरे खुले में
रहने को कुछ भी जगह नहीं, पूरे जितने भी घर हो गए पूरे पत्थरे फोड़ा नहीं, सब पानी है। और पानी तो इतना गिर रहा, इतनी बारिश हो रही वहाँ कि अगर बाहर मुँह नहीं निकाल सकते। तो प्रशासन ने ताबड़तोब जाके उनको मदद करना और उनको साथ देना। सर ऐसा अफवाह भी चल रही है कि जो मस्जिद है जहाँ की बस्ती है कि वो लोगों ने अतिक्रमण करे हुए हैं, यानी वो जगह इलीगल है, ऐसी अफवाह चल रही है। चूँकि हम वहाँ जाके आए तो आपको लगता है सर वो वाकई मस्जिद की जगह? उनके खेत में, खुद की खेती में है वो जगह, वो वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है वो अतिक्रमण, जो वहाँ गए नहीं वो। मस्जिद की जगह सर? मस्जिद की भी खुद की पुरानी मस्जिद है, वो पूरी बस्ती मुस्लिम की बस्ती है जी, मुस्लिम नाम ही जाए मुस्लिम बस्ती वो। और पूरे ऐसा खेत में उन्होंने ऐसा जगह 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 रुकिया ले, जैसा नहीं कि अपन यहाँ एक घर वहाँ एक घर यहाँ एक घर, ऐसे घर है। और उनकी खेती के अंदर इलीगल कहाँ से आएगा? सिर्फ ये है कि वो मुस्लिम है इसलिए वो वहाँ टारगेट करे। वो मेरे को लगता है कि राजेश जो होते 2 घंटे बाद में आए, वो लोग आप बोले थे दूसरे लोगों ने काम करे। अरे लोग दूसरे एक बार नहीं, 4-4 बार हमला हुआ बोलते थे वो। पहले आए फिर कुछ तोड़ के गए, दूसरे बार आए फिर कुछ तोड़ गए। एक मस्जिद में 3-4 बार हमला हुआ हमारे ऊपर, बोलते थे कि 12:30 बजे से 4 बजे तक जी ये लोग वहाँ पे हमला होता था। जब तक पुलिस क्यों नहीं, जो पुलिस थी वो भी चली गई, पहले थी थोड़ी बहुत 10-12 पुलिस थे, मगर वहाँ पे सबको मालूम था तो इन्होंने ज़्यादा फोर्स लगा के ये रुकाना था। गृह मंत्री कहीं कम गिरे, गृह मंत्री ने ताबड़तोब राजीनामा देना चाहिए या 4 दूसरे को देना चाहिए, या फिर इनकी कौन है इनकी चौकसी, इसके पीछे कौन है इसकी चौकसी करना चाहिए। सर वहाँ के ऐसे हालात थे कि वहाँ का जो प्रशासकीय अधिकारी है वो काफ़ी जो बड़े बड़े मुसलमान नेता हैं उनको आने से रोक रहे थे। हमने देखा कि बीच में खादा साहब जमतियाजी साहब ने भी ऐलान करे थे कि हम जाएंगे, लेकिन वहाँ कह दिया गया कि आप मत आओ हालात ख़राब हो सकते हैं। अभी एक मुसलमान नेता है ठीक है पार्टी में, तो फिर आपने ऐसी हिम्मत या अपने आपके जहन में कैसे आया कि मैं वहाँ जाऊँ? इनको अल्लाह ने लेकर गया और अल्लाह की वजह से मैं, अल्लाह ने हिदायत दी और मैं राजकारण के वास्ते नहीं गया। मेरे को तड़प छुट्टी थी देखने के बाद, मैं मेरे दोस्त की वजह से वहाँ पर गया और वैसे जितना होता उतना मैंने काम करके आया, बता दिखाने का काम नहीं करा। मैंने जो भी काम करा अल्लाह के वास्ते करा और अल्लाह ने मेरा कबूल भी करा और अल्लाह की फजल से काम भी शुरू हुआ। फिर भी सर वहाँ के आज की तारीख में कितने लोग ऐसा मदद के मतलब मुस्तैक है और उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं? इंशाल्लाह वो 40 घर में तो मैं आज बोला ना कि मेरे को आज भी निगाह में घूम रहा है कि उनको रह रहे कैसा हो। अगर से वहाँ पे आज तो मैंने कुछ 1-2 लोगों को बोला, अगर वो नहीं करते तो हमारे पार्टी की तरफ से हमारे दोस्तों की तरफ से जल्दी हम मदद भी पहुंचेंगे। गवर्नमेंट नहीं करी तो हम हमारे पार्टी की तरफ से हमारे दोस्तों की तरफ से हम वो जो ज़रूरत की चीज़ है, आज ज़रूरत की चीज़ है उनको पत्थरे सीमेंट, एक पत्थर नहीं उनके सर पे, पूरा पानी पानी है उनके हो रहा होगा। वो मेन कपड़े पन्निया के नीचे रह रहे छोटे छोटे बच्चे, और पूरा उनका ये बोलना है कि हमने क्या करे थे, हमारे को हमारे घर पर आके हमला क्यों करे। उनके मुर्गियाँ बकरियाँ ये भी लेके चले गए, ये कुछ भी नहीं रखे, उनका अनाज रोड पे लाके फेंके, ये कौन सी इंसानियत थे भाई? हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज शाहू महाराज ने मुसलमान ना कुछ भी ऐसा देखे नहीं। शाहू महाराज ने तो मुसलमानों के वास्ते वहाँ पे बाड़ा दीवाला है, मदरसों के वास्ते पढ़ने को बच्चों के वास्ते स्कूल बना के दीवाला है। शिवाजी महाराज के साथ सारे मुसलमान साथ थे, कभी ऐसा हुआ नहीं, वो शिवाजी के मावड़े हो ही नहीं सकते वो। ये जातिवाद जो भी पार्टी है जो मुसलमानों को टारगेट कर रही, राजकारण के वास्ते टारगेट कर रही, ये ऐसे लोग हो सकते? ये शिवाजी के मावड़े हो ही नहीं सकते, ये काम करने वाले शिवाजी के मावड़े साथ देने वाले शिवाजी के मावड़े, शिवाजी महाराज भी थे उनके साथ, हर चीज़ मुसलमान थे, उनका रक्षक मुसलमान था, वकील मुसलमान था, हर चीज़ मुस्लिम को जात नहीं देखते थे वो, ये मेरा आदमी है बोल के काम करते थे। वैसे साहब वहाँ के भी लोग थे तो वैसे थे, और ये जो काम करे जानबूझकर ये लोकसभा के अंदर सारे मुस्लिम ने महाविकास पार्टी को मतदान करे बोल के उनकी चीड़ है, और आने वाले वक्त के अंदर उनको हिंदू मुस्लिम कराने का है। इसलिए ये जो कर रहे ये हिंदू मुस्लिम कराने के वास्ते, उनके पैर के नीचे की मिट्टी घसर गई। 2 महीने के बाद इलेक्शन है, आज उनके साथ सब आज 31 महाविकास के चुनके आ गए कि आने वाले वक्त में हमारे नेता ने 225 पार बोलाला है और 225 आएंगे, तो उन लोगों को आज कैसा हिंदू मुस्लिम करके अलग अलग करना है। सर वहाँ का जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने वीडियो देखा है, आप और आपके तमाम साथी जिम्मेदारान हैं मस्जिद का जायज़ा ले रहे हैं, खिड़की टूटी हुई बता रहे हैं सारी बातें, तो सर ये वहाँ की जो मेंटेनेंस है रिपेयरिंग का जो भी काम है ये आप करने वाले हैं क्या, कैसा रहेगा इसका? नहीं ये तो हमने काम शुरू करे
वहाँ पे आर्किटेक्ट को भी लेके गए थे हम, और से कुछ चीज़ा मैंने उन्हें, मैं खुद उसमें का कॉन्ट्रैक्टर रहने की वजह से मेरे को चीज़ हर चीज़ मालूम है। मैंने वो आर्किटेक्ट को बताया कि जो जो प्रॉब्लम है, तो मैं बोला उससे आप अच्छा सब मिलकर करिए, कुछ कोल्हापुर के भी लोग हमारे साथ हैं, वहाँ की भी कुछ कमेटी है, कुछ अपने को जो भी हिस्सा देंगे, हमारे से जो भी हुआ हमने अभी करके आए, और अभी पूरा नक्शा डिज़ाइन बन रहा, और उसके बाद में हम बहुत अच्छे तरीके से जो इंशाल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद बनाएंगे। सर अब वहाँ जय गए थे तो हालात के बाद जाहिर सी बात, वहाँ नमाज का तो बंद होगा, माहौल टाइट था, लेकिन जब आपके वहाँ आप लोग दौरा करें तो क्या आपने वहाँ कोई एक फजर बोलो जोहर बोलो को वक्त नमाज अदा किया? दो या तीन नमाज हमने उस दिन अदा करे, अल्लाह के करम से हमने वहाँ पर चटाया बिछाए और पूरे कांच पूरे थे उसमें झाड़ू मार के साफ करे। उस दिन नमाज तो अलग घर था, वो नमाज उस दिन ही शुरू हो गई, जिस दिन हम गए थे उस दिन हमने जोर से नमाज शुरू करे थे और वहाँ के लोग पढ़ रहे थे, वहाँ पे उधर आने का सवाल ही नहीं था। वहाँ क्या मस्जिद में पूरा अंदर का हिस्सा उन्होंने कांचा फोड़े, अंदर का जो ये है वो निकाले, और उससे अच्छा होगा। और उस दिन नमाज उस दिन ही शुरू हो गई, हम गए थे उस दिन हमने जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज हमने वहाँ पढ़े। सर अब आपका जब दौरा रहा, जाहिर सी बात है ज़्यादा मुतासिर वहाँ मुसलमान थे, और आप वहाँ पर गए तो कैसा लग रहा था, मतलब एक वहाँ का माहौल देखने के बाद, वहाँ के लोगों में का खौफ का माहौल है या आपके जाने के बाद उनका हौसला मिला कुछ? इंशाल्लाह वो तो डरियाले थे, रो रहे थे, उन्होंने बोलते थे कि भाई हमने क्या करे या हमको क्यों मारे, हमको समझ में नहीं आ रहा हमने उनका क्या बिगाड़े थे। सही था ना, हमारी खुद की ज़मीन है भाई, हमारा कोई अतिक्रमण नहीं, वो अतिक्रमण किधर है, वहाँ तो गए नहीं, वो हमारे को क्यों मारे जी। तो उनका बोलना था, वो बयान कर रहे थे, रो रो के बयान कर रहे थे। एक घर पे मैं गया, आते टाइम में उनको चार लड़कियाँ थे, उनके वो बोल रहे थे मेरे पास मुर्गिया का धंधा था, एक किराना की दुकान थी, ये मेरा पूरा रास्ते पे फेंके, मेरे मुर्गिया भी लेके चले गए। हमने जो भी मदद होती है हमारी तरफ से, जहाँ जिसको जिसको मदद करने का हमने बंद मुट्टी, हमने मदद भी अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के वास्ते हमने वो भी मदद करके आए, और हमारे से जो भी होगा हम वहाँ पे हमारे दोस्त के साथ हैं वहाँ पे, मतलब कॉन्टेक्ट में वहाँ पर। अभी पहले 10 मिनट पहले भी बात हो गई, उनको बोला कि मैं बोला क्या भेजना है बाकी का, तो बोले कि भाई अभी हमारी मीटिंग चालू है, नक्शा बन रहा, उसके बाद में तुम्हारे को मैं बोल देता, तो इंशाल्लाह हमारे जो भी हमारे हिस्से को जो भी आएगा, हमने तो काम शुरू करा ला है, जो भी आएगा इंशाल्लाह वहाँ का हम उन्होंने जो भी काम देंगे अपन पूरा काम करेंगे। सर 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि घटना के बाद इसके असरात कहने के विधानसभा पड़नी? तो उन्होंने इसलिए तो करे ना हो, बाकी का जो करे हो, कि भाजपा ने जो आरएसएस ने ये जो घटना हिंदू मुस्लिम दलित उनको अलग करना है इसलिए तो करे हो, ये जो करने का मतलब ही है। अरे वो जब गए ऐसा दिन में डर लग रहा वहाँ जाने को जी, रास्ता जो है 40 किलोमीटर है, पहाड़ों के अंदर से एक गली ऐसा एक ही दो रास्ते हैं वो जाने को गाँव को जी, और वहाँ जाने का अतिक्रमण करने का कोई सवाल ही ना, ये क्यों गए क्या करे, पुलिस ने प्रशासन ने देखना चाहिए, पुलिस प्रशासन इतनी जी उनको हर चीज़ मालूम रहते जी, उन्होंने ताबड़तोड़ होने वाला है, तो हाँ मेरे ख्याल से उन्होंने पूरा अच्छे तरीके से सबको बंदोबस्त करते तो ये घटनाएं नहीं होती थी, ये जानबूझ के घटना करा लिए, और आइंदा उनका ऐसे ही घटना करके उनको हिंदू मुस्लिम कराना है। सर ये तो खैर वहाँ के आपके दौरे की बातचीत थी, आ जाते हैं औरंगाबाद की हमारे यहाँ की राजनीति पर। सर हम भी शहर में घूमते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पे और कहीं आपके चाहने वाले बोले जो भी है, औरंगाबाद से एक मुसलमान एमपी होना एमपी मतलब आमदार होना चाहिए ऐसी बात चर्चाओं का बाजार गर्म है, उस पर 3 नाम चल रहे हैं साहब, एक ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला साहब का नाम चढ़ रहा है, यानी कि आप, इलियास करमानी साहब है और मुश्ताक अहमद साहब है। मेरा पहला सवाल ये है कि आप वाकई मतलब आमदार चुनाव लड़ने के इच्छुक, आप चाहते हैं कि मुझे टिकट मिले? हमारी पार्टी ने जो भी आदेश देंगे, हम 3 रहो 4 रहो, पार्टी ने जो भी हमारे निर्णय देंगे, हम पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ, पार्टी का जो भी हमको काम बोलेंगे, अगर ठहरो बोले तो ठहरेंगे, अगर उनको सपोर्ट करो सपोर्ट, जो भी पार्टी हमारा निर्णय लेंगे हम पार्टी के साथ हैं, और पार्टी हमारा जो भी निर्णय हमारे आदरणीय जयंत पाटिल साहब, राजेश टोपे साहब, पवार साहब, सुप्रिया सुले साहब, ये बैठ के निर्णय लेते, बाकी काम करना है, मैं अध्यक्ष नाते मेरे को काम करना है, लोगों के जो भी मसले मसाइल है वो मेरे को काम करना है और वो करते रहूँगा मैं। सर फिर भी आपने हाईकमान से मतलब शरद पवार साहब से बात में रखी कि साहब औरंगाबाद में 6 मतलब मदार संघ है ग्रामीण की शहर की मिला के, कहाँ से 1-2 सीट मुसलमान को देना चाहिए, अपने अपना प्रस्ताव दाखिल किया? हमने महाराष्ट्र से वैसे 10 सीट मांग रहे, 10 सीट मांगे हमने महाराष्ट्र के अंदर, 10 सीट हमको मुस्लिम मुस्लिम अच्छा उसमें से औरंगाबाद हो, बीड हो,
मालेगांव हो, नांदेड़ हो, जहाँ पे मुस्लिम परभनी हो, जहाँ मुस्लिम आबादी है जी, वहाँ से हमारी पार्टी से 10 मुंबई हो जी, जहाँ पे भी हमारे सीट आ सके। हमारे पवार साहब ऐसा नेता है कि उनको हर चीज़ मालूम है जी। देखो हमने 10 ठहरा करके हमारे 9 सीट आ गए थे, एक सीट क्यों गिरी सबको मालूम है। वो तुतारी के मतदान कुछ उधर हो गए वो, इसलिए हमारे अब जो राजे ने तो वो भी सीट हमारी आई थी, 10 में से 9 आते थे, मगर आज 8 सीट हमारे आए, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी भी हमारे पास जो एक कैंडिडेट देंगे, हमारी टीम आदरणीय पवार साहब की हर छोटी सी छोटी नज़र है महाराष्ट्र के ऊपर। हमको भी अच्छे खासे हमारे आमदार चुन के आएंगे, और लोगों की भावना भी है पवार साहब के साथ, हर समाज है। और एक नेता ऐसा है कि ये सारे समाज को लेके चलने वाला ही नेता है जी। सर, विधानसभा चुनाव को मतलब लेकर और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर और जो विशालगढ़ घटना को लेकर, खासकर आपके विरोधी पार्टी विरोधी जो होते हैं राजनीति में, वो आप पर यानी आप बोले तो सभी मुसलमान नेताओं पर निशाना लगा रहे हैं कि ऐसे हालात में ये लोग खामोश क्यों है, इन्हें राजीनामा देना चाहिए, खुल के आना चाहिए, रोड पे आना चाहिए, धरना देना चाहिए, शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए, ये ऐसा औरंगाबाद का माहौल चल रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? कौन देना आपके विरोधी आपके आप विरोधी किसको देना चाहिए बोले आप? आप जैसे राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, सेना है, हम तो अल्लाह के हुक्म से हम काम कर रहे, पार्टी का भी काम कर रहे, और जहाँ जुल्म हो रहा, जहाँ वहाँ कुछ भी हो रहा, वहाँ जाके हम ऐसा बताने दिखाने का काम नहीं कर रहे। जो मदद हो रही है वो मदद कर रहे, पार्टी को भी हम पवार साहब को मैं मिलने वाला हूँ। और जो लोगों का आज पानी में है, अगर से गवर्नमेंट नहीं करती तो हमारी पार्टी की तरफ से जो लोगों को पत्रे नहीं, वहाँ रहने को नहीं, वो पत्रे भी हमने हमारी तरफ से देने का हमारा चल रहा, मैं पार्टी को बात कर रहा, वो भी काम करेंगे हम। बाकी ठीक है, वो राजनीति करना नहीं, बाकी ठीक है, वो राजनीति राजनीति की जगह पे जहाँ मदद है वहाँ मदद का काम। हमारी पार्टी ऐसी है कि सब समाज को लेके चलने वाली, जातिवादी पार्टी नहीं, तो ये हमारी पार्टी को जो भी जो बोलने वाले वो बोलन दे, मगर अपना काम अपन करते रहेंगे। सर, आपके विरोधी जो है पार्टी के, उनका साफ तौर से कहना है कि NCP, कांग्रेस पार्टी या शिवसेना, ये लोगों ने विशालगढ़ को लेकर जो घटना हुई, इसका वहाँ के जो भी मुतासरीन है मुसलमान खास करके, उनकी पूरी भरपाई करके देना चाहिए। जैसा आपने कहा, ये आपका बड़ापन है कि भाई इंसानियत है आपकी, आप देना चाह रहे आपकी तरफ से, ये अलग बात होगी सर, लेकिन पार्टी देना चाहिए क्योंकि मुसलमानों ने आपको भर भर के उड़ दिया है, ऐसे आप पे आरोप लग रहे हैं और खुल्ला खुला है। सर, मैंने तो वहाँ पे भी बोला कि जो भी नामदार खासदार जो खासदार चुन के आए मुसलमानों के मतदान पे, तो मैंने बोला कि उन्होंने आके मतदान ही लिए नहीं, उनको मदद भी करना चाहिए, आना भी चाहिए, और उनको आने वाले वक्त में ऐसा कहाँ हादसा ना हो। वहाँ के जो कलेक्टर है, वहाँ पे CP है, उनको भी बोलना चाहिए, क्यों तो आज पद पे हैं तुम जी, वहाँ पे जो अब ठीक है, वहाँ के खासदार तो आए थे जी, मगर उनके जो भी था उन्होंने आके मिल के गए, बाकी का जो भी करने का कर रहे हो। अल्लाह को आपसे मुलाकात हुई सर खासदार साहब से? नहीं, उनसे नहीं हुई मेरी, मगर मेरा मैं जाके मेरा काम करा, और अब मेरे पार्टी को आदरणीय पवार साहब को सुप्रिया ताई को हम बोलने वाले, और हमारे से जो भी होता हम काम करेंगे। सर, ये आखिरी सवाल है, औरंगाबाद की जिस तरह से एक राजनीति चल रही है, यहाँ पर थोड़ा बहुत हिंदू मुसलमान भी देखने में आता है सारी बातें, कि आपको लगता है कि विधानसभा में खासकर औरंगाबाद ज़िले के जो 6 मतदार संघ है, आने वाले वक्त में महाविकास आघाड़ी के दिन अच्छे आएंगे? बिल्कुल आएंगे, महाविकास आघाड़ी के अच्छे दिन भी आएंगे, और महाविकास आघाड़ी के यहाँ पे पश्चिम और मध्य ये हम मुस्लिम के वास्ते सीट भी मंग रहे, और ये दोनों भी सीटा मुस्लिम के वास्ते निकलेंगे। फिर भी सर आप बता सकते हैं कि कौन सा और पूर्व पूर्व सर हाँ। कौन सा चेहरा हो सकता है बता सकते हैं आप? पार्टी पहला नाम तो आपके भी चढ़ रहा है, पार्टी जो भी निर्णय लेंगे ना, आप आदेश दी तो आप लड़ेंगे? लड़ेंगे ना, बाकी पार्टी ने अगर हमको आदेश दी तो बिल्कुल लड़ेंगे। पार्टी के ऊपर मैं बोल रहा ना, पार्टी ने जो भी आदेश देंगे, मैं पार्टी के पार्टी बड़ी है, और पार्टी ने जो भी आदेश दिए, तो मैं इसके पहले महापुर को भी लड़े आला हूँ, मैं 2 मत से गिरे आला हूँ जी। इनसे पार्टी ने दी थी मेरे को आदेश, लड़ो लड़े जी, इंशाल्लाह 2 मत से हम गिर गए थे, और मैं पार्टी के आदेश से 3 बार चुन के आया हूँ, और यहाँ पे जहाँ से मैं चुन के आता हूँ वहाँ मेरा खुद का मतदान नहीं, एक रिश्तेदार नहीं, फिर भी मैं अल्लाह चुना के लाते, लोग लाते जी, यहाँ के जो अच्छे लोग हैं वो चुना के लाते, वो आदमी देखते, बाकी ठीक है, बाकी वहाँ पार्टी भी नहीं देखते, वो हिंदू है मुसलमान है, वहाँ पे जो लोग काम करने वाले उसको देखते और लोग चुना के भी लेके आ जाते। इस तरह से आपने देखा ख्वाजा शरफुद्दीन साहब, जिन्होंने विशालगढ़ का दौरा किया है 2 रोज़ पहले, और हम इनके पास आए, और बहुत आश्चर्य की बात है कि आज औरंगाबाद ज़िले के अंदर, शहर के अंदर इस पर राजनीति हो रही है। ठीक है, हर पार्टी निवेदन दे रही है, देना चाहिए, हमारे पास लोकशाही है, लेकिन सवाल यह है कि साहब प्रैक्टिकल तौर से गए हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है,
और जब हमारी बाइट शुरू हो रही थी बातचीत होने से पहले प्रोग्राम से पहले इंटरव्यू से पहले, मैंने बहुत खुल के कहा कि साहब आपके बारे में बहुत मशहूर है कि आपकी बंद मुट्ठी होती हैं, आप देते हैं, क्या दिए क्या लिए कुछ तो बोलिए। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा हमें कि साहब मैंने बंद मुट्ठी दिया हूँ और अल्लाह को राज़ी करने के लिए दिया हूँ, कुछ आंकड़ा नहीं बताएं, मैंने काफ़ी मदद किया हूँ और वहाँ के लोग आज भी इनके कॉन्टेक्ट में हैं और ये चर्चा में है कि क्या भिजाना है, सीमेंट है, टीन है, अनाज है, दवाइयाँ है, और जैसा कहा है कि एक दो पेशेंट वो सीरियस है, 80-90 हज़ार रुपये जो बिल आ रहा है, ये लोग उनकी मदद के इसमें अभी भी कोशिशों में है। सवाल ये है कि औरंगाबाद के अंदर ये सारी बातें छोड़ दीजिए, आप इंसानियत पे आ जाइए कि जैसा ख्वाजा शरफुद्दीन साहब आगे बढ़े हैं, पार्टी लाइन से आगे बढ़े, वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर गए, लोगों से मुलाकात करें, तमाम हर पार्टी के जिम्मेदारान की भी अखलाकी कोशिश है आपकी, आप वहाँ पर जाइए, जैसा इन्होंने अगर बंद मुट्ठी में दिया है, अगर उन्होंने 1 रुपये दिया है तो आप 2 रुपये दीजिए, और बताइए हमने 2 रुपये दिया है तो समझा जाएगा कि वाकई कौम मिल्लत का हमदर्द का दर्द है, वरना सिवाय राजनीति कुछ भी नहीं है और सिवाय राजनीति हो रही है तो तमाशा चल रहा है और लोग हंस रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि विशाल गढ़ के ऊपर अब सोचने वाली बात रहेंगी, जो जितना बड़ा नेता है, जो आपने आपको नेता कराया चाहे कोई भी पार्टी का, आप वहाँ पर जाएँ जैसा यहाँ पर गए, उन्होंने खामोशी में मदद की, मस्जिद के बारे में और दवा जो भी इलाज के बारे में इन्होंने हाथ खोल दिया है। अब निशाना आप पे, तमाम वो लोग जो अपने आप को बड़ा कहते हैं या मुसलमानों को नेता कहते हैं, आपके पास सवाल उठ रहा है कि आप कब जाते हैं वो ट्रक लेकर अनाज दवाइयाँ टीन वून, ये आप देखेंगे और ये है आज वक्त। अगर आप मदद करते हैं तो समझे जाएंगे कि आप मिल्लत के कौम के हमदर्द हैं, वरना क्या है साहब, राजनीति चल रही है और दुनिया खूब देख रही है और आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है ये भी खूब जानते हैं, दुनिया भी देख रही है और जनता भी देख रही है। उम्मीद करते हैं कि आप भी जागिए, राजनीति कम कीजिए, आज वहाँ के मुसलमान परेशान हैं, अखलाक के दायरे में, कानून के दायरे में काम कीजिए, बयान कम दीजिए ताकि हिंदू मुस्लिम ना हो। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं, देखते रहिए आप चैनल को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।